हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम खेलने वाले इंडियन एंड ट्रैवलर। तो आज हम जाने वाले सूरत के लिए, और ये है पूना स्टेशन, ये रहा टिकट काउंटर। तो यहाँ से एक टिकट ले लेते हैं सूरत के लिए। और ये वडोदरा एक्सप्रेस आने वाली है, तो यहाँ से हमने अपना टिकट कंफर्म करवा लिया है। तो हमारी ट्रेन आने के लिए अभी टाइम है, और ट्रेन हमारी आने वाली है प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर। तो चलते हैं आगे, गाड़ी नंबर 6-5, देखते हैं सीढ़ियाँ कहाँ पर हैं। तो ये सामने सीढ़ियाँ मेरे बिल्कुल। तो चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर, अभी हमें प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। तो दोस्तों, हमारी ट्रेन आ गई है नीचे, और इसका तो डीजल लोकोमोटिव है, यही है प्लेटफॉर्म नंबर 4, यही उतर जाते हैं। और ट्रेन तो आगे निकल गई बहुत, चलते हैं। वो रही ट्रेन 3, ये लगता है जनरेटर का रहे कुछ। हम आगे वाले डब्बे में बैठ जाते हैं। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी नंबर 6-5-3-0 अप बंगलोर से आने वाली। ये देखिए पुणे स्टेशन का नजारा, मुंबई उद्यान एक्सप्रेस। भीड़ काफी कम है स्टेशन पर, 3 पर थोड़ी ही देर में। इस साइड से देखते हैं, कृपया लक्ष्य दिया गाड़ी नंबर 6। तो आप देख सकते हैं यार, बिल्कुल भी भीड़ नहीं स्टेशन पर। और ये हमारी चेयर कार की वाली ट्रेन, छत्रपति का हमारी सीट, मुंबई उद्यान एक्सप्रेस। इस मैडम के बाजू में बैठ जाते हैं। 3 वर थोड़ा स्वयात ये ता है, यू काइंड अटेंशन प्लीज। तो यार, अभी हम पुणे स्टेशन से निकल चुके हैं। 3 हमारा अगला स्टेशन होगा मुंबई, फिर उसके बाद आएगा सूरत। ये रहा पुणे स्टेशन को करते हैं बाय बाय। कुछ खाने के लिए ले लेते हैं यार, चिप्स ले लेते हैं बस। ये अपना टिकट देख लो भाई, वडोदरा एक्सप्रेस का। यार पूरी ट्रेन खाली खाली यार, पैसेंजर ही नहीं है ट्रेन में। चलिए आगे चलते, एक बार ट्रेन का टॉयलेट देख लेते यार। तो अभी हमारे पास कुल 336 रुपये बचे हुए हैं, वो हमें आगे काम आ सकते हैं। इस दरवाजे से देखते हैं यार, इस दीवार पर बहुत सारी ऐड करवाई गई है। ये कौन सी ट्रेन चली गई, लगता है यार मुंबई स्टेशन नज़दीक आ गया है। ये ब्रिज देखो भाई, कितना अच्छा ब्रिज है। तो यार अभी हम मुंबई पहुंचने वाले हैं बस। ये आ गया मुंबई स्टेशन, मुंबई सेंट्रल। और देखो भाई इन दोनों को। तो यहाँ पर हम आ गए प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आ गए हम मुंबई स्टेशन पर। यहाँ हमारी ट्रेन का इंजन बदल जाएगा, दूसरी साइड से लग जाएगा, और हम जाएंगे सूरत वाली साइड पे। नहीं, स्टेशन से हम नीचे नहीं उतरेंगे, ट्रेन में ही रहेंगे। चलो एक सीट पकड़कर बैठ जाते हैं यहाँ पर, और आसपास का नज़ारा देखते हैं। चलिए थोड़ी बिरयानी खा लेते हैं। तो दोस्तों, थोड़ी देर में हम मुंबई स्टेशन से निकलने वाले हैं। तो अपनी सीट से ज़रा उठ जाते हैं। तो ये देखो, हमारे बाजू में भी एक ट्रेन लग चुकी है, ये तो बिल्कुल तेजस एक्सप्रेस जैसी कोच है। चलते आगे देखते हैं यार, यहाँ पर भी बहुत पैसेंजर कम है। मुझे लगता है ट्रेन में तो फुल भीड़ होनी चाहिए। देखते हैं इस साइड से, अरे दूसरी साइड से देखते हैं। ये देखो तेजस एक्सप्रेस वाली कोच, ये तो डीजल लोकोमोटिव लगता है मुझे। हाँ, डीजल लोकोमोटिव ही है। तो भाई तू भी स्टार्ट हो जा जल्दी, हमारे साथ चल जा, रेस लगा ले हमारे साथ। नहीं लगता यार इसे जल्दी सिग्नल नहीं मिलेगा। चलते आगे, और हमारा अगला स्टेशन आने वाला है वलसाड। तो अभी हम मुंबई से निकल चुके हैं, और ये देखो यहाँ पर एक बियर की ऐड कर दी है। दूसरी साइड से देखते हैं यार,
ये अमूल की ऐड। ये देखो ट्रेन क्रॉसिंग हो रही है, एक दूसरे साइड से चल रहे, देखते हैं यार। तो ये कौन सा स्टेशन आ रहा है? मुझे लगता है ट्रेन यहाँ पर नहीं रुकने वाली, और ये तो बोरीवली स्टेशन है, यहाँ पर ट्रेन नहीं रुक रही, एकदम सुपर फास्ट जा रही है। अब ट्रेन तो सीधा वलसाड़ में रुकेगी भाई। ये ब्रिज देख लो भाई, यहाँ से स्टार्ट होता है और वहाँ ख़त्म होता है, बहुत छोटा ब्रिज है। तो दोस्तों वलसाड़ स्टेशन आने वाला है, हमें तो वलसाड़ नहीं उतरना, हमें सूरत उतरना है। ये देख लो भाई वलसाड़ स्टेशन, यार ये वलसाड़ में तो बारिश शुरू हो गई यार, ये देखना बारिश सिर्फ स्टेशन में ही शुरू होगी, आजू बाजू नहीं होगी यार। लगता है इनकी ट्रेन छूटने वाली यार। हाँ भाई आपको यहाँ उतरना क्या? यार स्टेशन पे टॉयलेट नहीं जाना चाहिए, ये तो गलत बात है, लेकिन मेरे से गलती से हो गए। तो यार एक कोने वाली सीट पकड़ लेते हैं, इस मैडम जी के पास बैठ जाते हैं। थोड़ी देर अपनी नींद पूरी कर लेते हैं जब तक ट्रेन रुकी है वहाँ पर। यार आजू बाजू कोई ट्रेन नहीं है, और ये हमारी ट्रेन स्टार्ट हो गई, और हमारा अगला स्टॉप है सूरत, हमारी डेस्टिनेशन है सूरत। यार इस पूरे सफ़र में ना टीसी नहीं आया चेक करने के लिए अपनी टिकट, और जिस दिन मैं विदाउट टिकट जाऊंगा ना उस दिन टीसी बराबर आ जाएगा चेक करने के लिए। चलते हैं आगे। पर यह ब्रिज देख लो भाई, इस नदी का पानी पूरा सूख चुका है, बहुत कम पानी है नदी में। ये देख लो भाई सूरत से पहले का नज़ारा, तो अभी सूरत स्टेशन आने वाला है और हमारी डेस्टिनेशन भी सूरत ही है। और ये देख लो भाई पूरे स्टेशन में कहीं नहीं, बस एक ही जगह बारिश होती है। चलो चलते हैं। ये सूरत स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 3 है। तो चलो अपनी डेस्टिनेशन आ गए, मिलते हैं अगली वीडियो में।